हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि फ़ोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती है तो उसके लिए हम क्या करें। यार, कई बार हमने देखा हो कि हमारे फ़ोन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फीचर होता है कॉल रिकॉर्डिंग का, बट वो स्टार्टिंग में जो हम नया फ़ोन खरीदते हैं तब तो होती है, बट उसके कुछ टाइम बाद में यार हमारे फ़ोन में रिकॉर्डिंग होनी बंद हो जाती है। यार, ऐसी क्या प्रॉब्लम आती है कि जिसकी वजह से हमारे फ़ोन में रिकॉर्डिंग ये सब चीज़ें बंद हो जाती है। यार, हम अपनी तरफ से फ़ोन तो बहुत अच्छा चला रहे होते हैं, सारी चीज़ें वही कंपनी की बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती हैं। हम कुछ टाइम बाद सर्विस सेंटर में या किसी शॉप पे दिखाने जाते हैं, हमारे बोलते भाई साहब जो हमने नया लिया था तब तो ये फ़ोन बहुत अच्छा था, इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग भी होती थी, ये सब कुछ होता था, बट अब नहीं होती। ऐसी आपको पता है कि ये सर्विस सेंटर की या फ़ोन की कोई दिक्कत नहीं होती, ये गलती होती है हमारी तरफ से। हम कुछ फीचर ऐसे डाउनलोड कर देते हैं ना अपनी तरफ से जिसकी वजह से दिक्कत आने लग जाती है। आज मैं वही दिक्कत बताऊँगा कि आपके साथ क्या होती है, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई लोग होते हैं जिनके मैंने फ़ोन देखे हैं, उनकी वजह से ये ऐसी प्रॉब्लम आती है। हम यूज़र ही होते हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशन डाल लेते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आने लग जाती है। ठीक है, आज मैं वही दिक्कत आपको बताऊंगा कि क्या हम दिक्कत कर सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है गाइस, हम अब आगे चलते हैं। मैं अब आपको वो सेटिंग बताता हूँ कि वो क्या ऑफ करने से आपके फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर से आप अपना जैसे आप पहले रिकॉर्डिंग करते थे सब कुछ वैसे हुई गई। ठीक है गाइस, अब हम आगे चलते हैं। चैनल में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को पहले आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी अच्छी लगी और ये सब फीचर करने के बाद आपके फ़ोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है नहीं हुई है। ऐसी कोई भी आपका प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में करके मेरे को बताइए, उसका सुनाऊंगा। ठीक है भाई, चलो अब आगे चलते हैं। गाइस, होता क्या है कि हम कई बार ये इसमें ना नॉर्मली कॉल करते हैं, आप देख रहे हैं ऐसे मैं 118 नॉर्मली नंबर मिला रहा हूँ। जो ऑफिशियली डायलर होता है हम उसको ऑफ करके हम ट्रूकॉलर डाउनलोड करते हैं। हम ट्रूकॉलर डाउनलोड इसलिए करते हैं कि यार हमें कोई कॉल आए या किसी की भी कॉल आती है अननोन नंबर की किसी की भी, तो उसका नाम शो करता है। हिस्ट्री में हम कुछ भी देखते हैं तो उसका नाम शो करता है कि विनय नाम से था, सूर्य नाम, किसी का भी यार नाम आता है, कॉल आती है तो उसका नाम पता चल जाता है। क्योंकि ट्रूकॉलर क्या है, आपका नेट के थ्रू आपके हर एक पर्सन का नाम होता है, उसका फिल्टर करके दिखाता है। अरे, हम वही चाहेंगे कि हमारा सिर्फ हम डाउनलोड करते हैं सिर्फ फ़िल्टर के लिए कि हमें उस पर नाम बताए। मैं आज आपको वही बताऊंगा कि सर्चिंग में आपका ट्रूकॉलर ऑन रहेगा, बट जो डायलर होगा आपका वो आपका जो जिस भी कंपनी का आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं बट ऑफिशियली उसी का रहे। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको अपनी सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाएंगे आप, सेटिंग में जाने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके फ़ोन में ऐप्स का एक ऑप्शन आएगा, ऐप्स में जाएंगे, ऐप्स में फिर दोबारा से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिफ़ॉल्ट ऐप्स का ऑप्शन आएगा, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे डिफ़ॉल्ट ऐप्स पे, करने के बाद आपको आएगा एक फ़ोन ऐप। गाइस, यहाँ पे आप जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे फ़ोन ऐप्स पे, करने के बाद आपको देख रहे आपको ऑप्शन दिखाएगा आपका डायलर का, एक फ़ोन का आपका डायलर डाउनलोड होगा और एक आपका ट्रूकॉलर होगा। यहाँ पे आपका सिलेक्ट हो रखा होगा गाइस आपका ट्रूकॉलर, तो आपको ट्रूकॉलर से यहाँ के हटाने के बाद आपको करना है अपने डिफ़ॉल्ट सिस्टम डिफ़ॉल्ट पे, कि जो मेरे फ़ोन का जो डिफ़ॉल्ट डायलर है जिससे मैं कॉल करूं, जिसमें मेरा रिकॉर्डिंग का पहले फीचर था सब कुछ था वो उसी से हुए। और इसमें क्या है, आपको नेट की कोई प्रॉब्लम या कॉलिंग पे कोई प्रॉब्लम है वो भी नहीं आएगी, क्योंकि ये आपका जो भी आप ब्रांड का फ़ोन यूज़ करें, आपका MI हो, वीवो हो, सैमसंग हो, किसी भी ब्रांड का फ़ोन हो, आपको कॉलिंग के टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना आए। इन फ्यूचर कोई कंप्लेंट आती भी है तो आप उस ब्रांड में जाके आप वहाँ पर दिखा भी सकते हैं, आपका ऑफिशियली डायलर होगा तो। ठीक है गाइस, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है फ़ोन डायलर, डायलर सिलेक्ट करने के बाद आपको वापसी बैक आ जाना है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा ऑफिशियली मेरा डायलर है, ये वाला दिस वन, एक ग्रीन कलर का, आप देख सकते हैं। मैं इसको जैसे क्लिक करूँगा ये मेरा डायलर ओपन हो गया। अब मैं इसे जैसे 118 में मिलाता हूँ, ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, मैंने इस नंबर पर डायल करा, डायल करने का ये मेरा रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन आ रहा है जिस पर मैंने जैसे देखो क्लिक करता हूँ तो मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। देख सकते हैं गाइस, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इस रिकॉर्डिंग को अपने फाइल मैनेजर में जाके जैसे चेक करूँगा तो मेरे ऑफिशियली रिकॉर्डिंग वहाँ पे दिखाएगा, जो मेरे कंपनी ने बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को फीचर दिया था जो मेरे फ़ोन में स्टार्टिंग से ही था। मैंने ये कॉल कट कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आप चाहते हैं यार कॉलिंग तो वही है बट जो ट्रू कॉलर का काम था सर्च करने का वो ऑप्शन नहीं शो कर रहा, उसके लिए आपको ऐप्स में जाना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे डिफ़ॉल्ट ऐप सेटिंग में, फिर दोबारा से आपको कनेक्ट कॉलर ID पे जाके क्लिक करना है ये। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ट्रू कॉलर का ऑप्शन है आपको यहाँ
फ़ोन पे में ही नहीं सेलेक्ट करना है, आपको ट्रू कॉलर ही सेलेक्ट करके रखना है, जिससे कि आपको किसी की भी कॉल आए तो आपका ट्रू कॉलर ही सेलेक्ट रहे, ये कॉल जो आए वो सर्च उसी को ही करे। ठीक है गाइस, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया ट्रू कॉलर का ऑप्शन, कि आप जब भी कोई किसी की कॉल आए तो इसी को ही सर्च करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ और भी और सेटिंग है जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑप्शन, डिफ़ॉल्ट ऐप्स में जाके सेटिंग है। आप कोई भी मैसेज आता है किसी का भी व्हाट्सएप है या टेक्स्ट मैसेज आता है तो आपका कोई भी मैसेज ओपन लिंक ओपन करे तो वो सीधा गूगल क्रोम पे जाके ही ओपन है। यहाँ पे आपको क्रोम ही सिलेक्ट करना है ब्राउज़र ऐप्स में जाके। ठीक है गाइस, ब्राउज़र ऐप में याद रखिएगा आपको क्रोम ही रखना है। अभी आप क्लिक करें तो वो सीधा जैसे लिंक को आप क्लिक करेंगे वो गूगल क्रोम पे जाके ही सिलेक्ट करें, क्योंकि ऑफिशियली जो होता है हमारा गूगल क्रोम ही होता है। ठीक है, आपको बैक कर देना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा सिस्टम होम ऐप हो गया, जिसमें आप कई बार हम बाय डिफॉल्ट हम लॉन्चर डाउनलोड कर लेते हैं, लॉन्चर के बाद क्या है वो भी आपको यही सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है, और आपका ये हो गया SMS का। SMS में आप जाते हैं कि कई बार हम होता है कि मैसेंजर हम एप्लीकेशन फेसबुक का डाउनलोड कर लेते हैं, कई बार देखा गया आपने कि आपके मैसेज के जो ऑप्शन होते हैं और मैसेंजर के जो होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है मैसेंजर, आप उसी को ही डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर देते हैं। आपके मैसेज जो आते हैं वो मैसेंजर में ही आते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो आपको जो सिलेक्ट करके रखना है, आपको मैसेज सिलेक्ट करके रखना है मैसेज पे, देख रहे गाइस मैसेज पे क्लिक करना है कि आपके जो भी कोई टेक्स्ट मैसेज आएंगे वो आपके वो मैसेज में ही आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको फिर दोबारा से 118 पे नंबर मिला के दिखाता हूँ, बट अभी यहाँ पे शो नहीं करेगा क्योंकि जब वो इनकमिंग कॉल आएगी तभी वो शो होएगा कॉलर आईडी सर्च। ठीक है, जिसका भी जैसे अननोन नंबर होगा किसी का भी, तो वो जैसे किसी का भी कोई कॉल आएगा तो मेरे को ऊपर नाम दिखाएगा यार किस बंदे का कॉल आया था अननोन नंबर का, जिसका मेरे फ़ोन में नंबर सेव नहीं है। ठीक है, ये कॉल एक मैंने करके देखी तो ये सिस्टर का मेरी का फ़ोन था तो उसके नाम से दिखा रहा था। मैं आपको अभी आगे और दिखाता हूँ, फिर दिखा रहा हूँ, ये कॉल करके मैंने दिखाया, ये ऑलरेडी नंबर सेव है, अननोन नंबर कोई होगा मेरे पर तो उसका यहाँ पर नाम दिखाएगा। ठीक है, कि ऐसे आपको दिखाएगा कि यार वो किस बंदे का नाम है किसी का नहीं, तो ऐसे आपको ऊपर सर्च करके आया, क्योंकि डायलर में आपने सर्च का जो ऑप्शन रखा है वो ट्रू कॉलर का ही रखा है। ठीक है, ये आपको गाइस कैसा लगा ये फीचर आपको? ठीक है, ये आपको सेटिंग जो है फ़ोन की अपनी आपको बाय डिफ़ॉल्ट यही रखनी है। ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स करके बताइए। ओके गाइस, गुड बाय, टेक केयर।